सर आपको पान की दुकानों पे भी सर्वे किया, उनसे भी बात करी, थ्री व्हीलर वाले पे भी सर्वे किया, उनसे भी बात करी, टैक्सी वाले से भी सर्वे किया, उनसे बात करी, तो इट इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर अ सोशल कॉज। सर आपको लगता नहीं कि आप एक इमोशन पैक बेच रहे हैं? इमोशनल फैक्ट कभी नहीं बेचेंगे, इमोशनल फैक्ट वहां बेचा जाता है जब हम कहें आप उसको 10 रोज खाइए। इमोशनल फैक्ट ये होता है कि हम इसे कहते हैं कि आप गुटके की तरह कहते हो, गुटके वाले पूरा 500 रुपए का डिब्बा खा जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक गुवाहाटी के स्टॉकिस्ट है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वो कहते हैं मैं 500 रुपए का रोज गुटका खाता हूँ। इमोशनल फैक्ट की बात वहां होती, 15 रुपए के लिए कोई इमोशनल फैक्ट नहीं होता है। सर लेकिन पीड़ित को अगर आप बोलते हो ये खाने से आप अच्छा हो जाओगे तो एक इमोशन ही होगा ना सर, इमोशनल। देखिए खाने से आप क्या बताएंगे कि बुरा हो जाओगे, ये तो बता नहीं सकते। जो चीज किताबों में लिखी है और जो चीज प्रूवन है उसके लिए अच्छा ही बताएंगे ना। अक्षय सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसके बारे में? सर अभी जो इमोशनल पैक के बारे में जो बात हो रही है, आपका क्या कहना है सर? जी मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया, जो जो लोगों को अच्छी लगे वो खाएं, आपको अच्छी लगे ना खाओ, ठीक है भैया? तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ तो है नहीं है, जिसको अच्छा लगे खा ले। और जहाँ तक कि इमोशनल इमोशनल ऐसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे लगे, मैंने उसके बारे में पता किया, छानबीन की, मुझे अच्छी लगी, मैंने किया। वरना ऐसा तो है नहीं कि मुझे एड्स की कमी है, फिल्मों की कमी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, पैसों की कमी है, भगवान ने सब कुछ दिया। तो मुझे एक बात अच्छी लगी, मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी? इसलिए आप अक्षय कुमार हो सर। अक्षय जी फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा, आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? बेटे तो आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहां इसकी बातें होंगी, अभी फिलहाल ये चल रहा है। आप समझदार इंसान लगते हो मुझे और आप ऐसी बातें कर रहे हो, यहाँ के यहाँ क्या जरूरत है इसकी बातें करने की? अच्छा, हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बातें कर रहे हैं। ओके फाइनल फ्यू क्वेश्चंस प्लीज एंड सम गुड वंस प्लीज, लास्ट टू क्वेश्चंस, अदरवाइज ज़िनोबिया इज गोइंग टू बीट मी अप। वन क्वेश्चन अक्षय जी, एक आखिरी सवाल ये कि अगर आप बता सके, हमने सुना है कि हमारी घड़ी में पूछ ले तू अपने दिल की तमन्ना, मेरी घड़ी में 8:36 हो रहे हैं, हमने सुना है ये जो 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में, हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है, 8 के करीब आप सो जाते हैं, तो इस समय आप, अब तू बंद करेगा तो मैं जाऊंगा। ओके थैंक यू, थैंक यू। आई विल रिक्वेस्ट अक्षय सर टू काइंडली स्टे ऑन स्टेज। अक्षय सर काइंडली स्टे ऑन स्टेज, मिस्टर कामत, मिस्टर श्रीराज, यू कैन टेक योर सीट्स। जी हम सारी दुनिया जानती है कि इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी जानते हैं कि आप जो है तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा, इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी दूर हैं, लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई सारे एक ऐसे एक्टर हैं, इवन कुछ एक ऐसे भी एक्टर हैं जो आपके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, वो इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं, तो आप उन्हें कहना चाहेंगे कि आप स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब जो सेवन करते हैं आप ये छोड़ दें? अक्षय जी अगर आपको मेरी आवाज, सरकार आप इतने दूर हो मुझे सुनाई नहीं दिया आप क्या कह रहे हो, आवाज थोड़ी धीरे, आप माइक के पास आ जाइए। हाँ जी माइक है मेरे पास, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अक्षय जी हम सभी जानते हैं कि आप जो है गुटखा, तंबाकू, इन सारी चीजों से काफी दूर है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफी इन सारी चीजों का काफी सेवन करते हैं, तो आप चाहेंगे, कुछ एक आपके काफी करीबी दोस्त भी हैं,
तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज करें और आप चाहेंगे कि वो तंबाकू बीड़ी ये सारी चीजें छोड़ दें? हाँ जी बिल्कुल, मैं कौन नहीं चाहेगा, चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो जिसके लिए भी हो, स्वर्ण साथी सबके लिए है और मैं चाहूँगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें और बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती है और मैं यही चाहूँगा, बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूंगा इसके बारे में। जी अच्छा जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप अपने दोस्तों का कि जो इन सारी चीजों को छोड़ दे? क्यों बेटा, तारे ताकि तेरा चैनल चल जाए। हाय अक्षय। ओके अक्षय जी, टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है, एक आखिरी सवाल, टॉयलेट एक प्रेम कथा चाइना में भी रिलीज हो रही है, उसका नाम है टॉयलेट हीरो, चाइना में काफी अच्छा बिजनेस होता है, अगर आप कुछ कहना चाहें, कितने एक्साइटेड हैं आप? बेटा उसके बारे में आप और मैं वार्तालाप बाद में करेंगे। ओके ठीक है, आओ पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अक्षय जी सर, जी जी अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर, क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के और ख़ासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब? तो ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए एंड जो गलत है सो गलत है और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं उसे फॉलो करते हैं, सो आई होप हम इसे पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट डू इट। थैंक यू जी। हाय सर, सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर हल्दी देखा, इसके अंदर हल्दी देखी और मुझे बचपन से मालूम है, ये जरूर मालूम है कि हल्दी इज हेल्दी और हमारे हिंदुस्तान में ये जो हल्दी चीज़ है, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा में आती हैं जो कि बहुत फायदेमंद होती है और हम उसको हमेशा देखते नहीं हैं, उस पर जोर नहीं करते, अलग रहते समझते हैं, बल्कि मैं कई फॉरेनर्स को जानता हूँ, कई लोगों को बाहर जानता हूँ जो कि हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में बनती हैं, जिंजर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदा में जो आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं और मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने ये नहीं है कि इन्होंने कहा मुझे और मैं मान गया, कई चीज़ें मैंने इनसे बहुत देर काफ़ी बातचीत की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ कह रहा हूँ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में हमने काफ़ी बातचीत की, काफ़ी सर्टिफिकेट्स देखे, काफ़ी चीज़ें देखी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जी मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। अच्छा, इसे स्वर्ण साथी को जो नशा करते हैं उनके अलावा भी को लोग उसको ले सकते हैं जिससे फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, इट इज़ फॉर पॉल्यूशन ऑल्सो, एम आई राइट? राइट। वैसे मैं पढ़ रहा था कहीं हर दिन कैंसर को लेके तंबाकू को लेके 2500 लोगों की मृत्यु हो जाती है हमारे देश के अंदर और इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट आई होप इस चीज़ से सी रिमेंबर वन थिंग, ये कोई क्योर नहीं है, इट इज़ नॉट क्योरिंग यू, इट इज़ फाइटिंग, इट्स अ प्रिवेंशन, दैट इज़ इट। हेलो, ये साथी आए थे आपसे नहीं बात कर रहे, मुझे बोल के गए।